I would like to request Dr. Santosh Pandey ji to start giving. ये जो समय गुजरा तनाव का ये जो पैंडमिक हुआ और जिस तरह से uh, महामारी ने लोगों को तन से मन से even आत्मा से मैं बोलना चाहूँगा कि जो तकलीफें हुई वो हमारे जीवन को पूरी तरह से झकझोर के रख दिया We, I think we all uh, will agree with that. So मैंने uh, हमारी जो प्रैक्टिस है वी आर इनटू फुल फ्लेजेड नेचुरोपैथी एक्यूपंक्चर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू क्लेम दैट वे दैट वी आर वेरी सक्सेसफुल बट इन फ्यू थिंग्स इट्स रियली गिविंग अस वेरी बिग चैलेंज सबसे पहला चैलेंज क्या होता है कि जो महामारी हुई उसको किसी को समझ में नहीं आया कि किस तरह से हम इसको डील करें पूरी तरह से हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया हमारा काम अस्त व्यस्त हो गया हमारा लाइफ स्टाइल अस्त व्यस्त हो गया और उसके बाद जो तरह तरह की बीमारियों ने हमें घेरा और उसका जो इस तरह से बताया जाए कि हमारे ऊपर पूरी तरह से जितनी भी पद्धतियाँ हो सकती हैं सबका कहीं ना कहीं से रिसर्च होना स्टार्ट हो गया उसमें आप एलोपैथी ले लो उसमें आप आयुर्वेदा ले लो उसमें आप होम्योपैथी ले लो उसमें जितनी भी पद्धति हो सकती हैं सभी पद्धतियों ने पूरी तरह से हमारे ऊपर रिसर्च किया और कुछ पद्धतियाँ पूरी तरह से उभर कर सामने आई जिससे हमें बहुत सारा लाभ हमारे फ्यूचर में देखने को मिलेगा उसमें से नेचुरोपैथी है उसमें आयुर्वेदा है उसमें होम्योपैथी है जिसको पहले कभी भी साइंस नहीं समझा जाता था कि जब भी बहुत सारे लोगों के समझ में ही नहीं था कि इसके करने से भी कुछ होता है क्या मिट्टी पानी से भी कोई इलाज हो सकता है क्या या एक्यूपंक्चर से भी कभी किसी को फ़ायदा होगा लोग बात करते थे कि आयुर्वेदा जो मेडिसिन है वो तो लेड पॉइजनिंग क्रिएट करती है लोगों की जान जाती है इस तरह के आई थिंक सब लोगों ने सुना होगा और पहले कहीं ना कहीं लोगों के मन में संशय था शंका थी कि हो सकता है जो डॉक्टर्स बोलते हैं वो आ, मत, सही भी होगा लेकिन नहीं दोस्तों लोगों ने अब समझना शुरू किया कि जो जितनी भी पुरानी पद्धतियाँ हैं पौराणिक पद्धतियाँ हैं वो गलत नहीं हैं हाँ उनके ऊपर ज़्यादा रिसर्च ना हो पाने से उनको तकलीफ होना चालू हो गया है so, सो अभी जो इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद एक-एक मैंने देखना शुरू किया कि लोगों में तनाव जो बढ़ा तो तनाव के पीछे के क्या क्या कारण हो सकते हैं तो उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं बिजनेस गया बहुत सारे लोगों की बीमारी हुई बहुत सारे लोगों को हमने खोया इस बीमारी से इस महा बीमारी से किस लिए खोया इसके पीछे पूरी तरह से रीज़न अभी तक पूरी तरह से लिखित नहीं बताया जा सकता है लेकिन कही न कहीं ना कहीं दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट की वजह से हमने बहुत सारे लोगों के जीवन को मतलब खो दिया सो so, अभी जो हमारी प्रैक्टिस में लगभग हमारे पास बॉम्बे में और जो एनर्जी सेंटर चार पांच सेंटर चलाते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ ही पूरी तरह से हमारा झुकाव है हाँ हम उसमें कुछ मॉडर्न पद्धतियों के साथ प्राकृतिक चिकित्सा के को किस तरह से जोड़ा जाए उसके लिए पूरी तरह से काम करते हैं। है, है, colon, cryo, का करते हैं जिसमें हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है कोलोन क्रायो और यहाँ तक कि अनिमा और मड पैक का भी उपयोग करते हैं सो अभी जो देखा जा रहा है आपको पता होगा कि बहुत सारे को बोन्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो रहे हैं अनेकानिक अनेक बीमारियां हैं लेकिन जो मेरा आज का जो डिस्कशन है वो ऐसी बीमारी के ऊपर है जो लार्ज इंटेस्टिन को पूरी तरह से वीक बना देती है और उस बीमारी का नाम है कब्ज अगर किसी को कब्ज हो जाता है तो आप समझो कि एक दिन दो दिन तीन दिन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता मुझे लगता है थोड़ी सी थकान होती है थोड़ा सा बेचैनी होता है गैस एसिडिटी होती है अच्छा नहीं लगता और अगर तीन चार दिन के बाद से फिर अगर वो बीमारी को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो तब उसके साइड इफ़ेक्ट आपको पूरी तरह से दिखने लगते हैं सिंस इन आयुर्वेदा वी से दैट लार्ज इंटेस्टाइन इज द प्लेस ऑफ वाता लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो हमारे शरीर का जो वायु का कंट्रोल है वो वहाँ से शुरू होता है और जो इससे रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं वो अनगिनत हैं कहावत होता है कि पेट सफर तो सब रोग दफा सो so, अगर आपका पेट साफ़ नहीं होता है किसी भी कारण से तो आपको अनेकानेक बीमारियां घिर सकती हैं उसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के रिलेटेड जितनी बीमारियां होंगी उसमें आपको डायबिटीज डाविट, से लेके वज़न से ले के, वजन की वजह से जो बीमारियां हो सकती हैं कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड इसके अलावा इवन कभी कभी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्यों क्योंकि कभी कभी किसी को गैस बनता है और गैस इस तरह से डायफ्राम के ऊपर प्रेशर लाता है कि ऐसा लग, लगता है कि हार्ट का अटैक हो रहा है हार्ट की बीमारी हो रही है और लोग हॉस्पिटल में एंडेड एंडिंग होती है उनकी और सब रिपोर्ट निकालने के बाद पता चलता है कि ये नॉर्मल है और ऐसा कई कई बार होता है हमारे पास बहुत सारे केसेज ऐसे आते हैं सो मेरा आज का जो टॉपिक था यही था ऑफकोर्स थोड़ा प्रेजेंटेशन बड़ा सुंदर बनाया था लेकिन समय थोड़ा कम है जहाज जा, पकड़ना है सो अभी जो हमने इसके ऊपर ध्यान देने की जो बात करनी है वो सबसे सिंपल है वो क्या हो सकता है सबसे पहले आपको अपने फूड का चयन करना है अब फूड का चयन मतलब सब्जेक्टिव है हर व्यक्ति के लिए जो हमारा भोजन है वो अलग अलग हो सकता है किसी को फाइबर्स बहुत सूट होते हैं किसी को फाइबर्स कम सूट होते हैं किसी को रॉ फूड अच्छा लगता है या बॉडी को अच्छा लगता है किसी को रॉ कुक्ड फूड राह के बजाय कुक्ड फूड फाइब्रस में भी कुक्ड फूड अच्छे लगते हैं और फूड वो तरह तरह के हो सकते हैं उसमें स्प्राउट्स है उसमें आपको वेजिटेबल्स हैं उसमें तरह तरह की मॉडर्न से लेके एंशियन भाजियाँ अभी बहुत सारी ऐसी सब्जियाँ मार्केट में हैं जो हमने अभी देखना शुरू किया शायद पाँच साल पहले वो हमें नहीं दिखते थे सो so, ये अपने बजट के हिसाब से आपको अपनी बीमारी को ठीक करने का एक तरीका ढूंढना है और कब्ज एक ऐसी बीमारी है दोस्तों अगर अगर उसने आपको एक बार पकड़ लिया तो आपको बहुत तकलीफ होती है सिंस आई हैव बीन सींग लॉट्स ऑफ पेशेंट्स और अभी का जो ये समय गया जो uh, मेरी बात से शायद काफ़ी लोग सहमत होंगे कि जिन्होंने कोविड के बाद जो मेडिसिन लिया है उससे बहुत सारे लोगों को बोन्स के डिजेनरेशन शुरू हो गए हैं खास करके आप देखोगे कई लोगों का हिप बॉल रिप्लेस हो रहा है एवियन नामक बीमारी जो पहले सुनने को शायद ही मिलती थी अभी बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिलती है उसके साथ साथ लोग गिरते हैं और तुरंत उनका पैर फ्रैक्चर हो जाता है स्पाइंस में फ्रैक्चर्स आ रहे हैं और भी पचास तरह की बीमारियाँ आती हैं लेकिन मेरा मतलब क्या था कहने का सिंस बॉडी इज़ बिकमिंग मोर ड्राई डे बाई डे सो so, उसको किस तरह से आपको लुब्रिकेशन को बढ़ाना है किस तरह से हाइड्रेशन को बढ़ाना है इसमें आपके फू आपके भोजन का चयन बहुत इम्पोर्टेंट है सो so, जो मेरी समझ में अभी तक जो बात आई है जितने लोग अपने खुद की फार्मिंग करते हैं वो गारंटी ले सकते हैं कि जो मैं खाना खाता हूँ वो बहुत प्योर है लेकिन जो खाना या सब्जियाँ या जो भोजन खरीद के खाते हैं वो गारंटी के साथ इस बात का मीन्स नहीं बोल सकते सो so, मेरे कहने का मतलब क्या हो गया कि जो आपके कॉन्स्टिपेशन का मेन कारण है वो जहाँ तक है आपका एक प्रकार का भोजन है उसके अलावा आपकी सोच सबसे ज़्यादा दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हम बोलते हैं कि हमारा जो हमारी जितनी भी बीमारियाँ उसमें से सत्तर से अस्सी परसेंट साइकोसोमेटिक हैं सो ये साइकोसोमेटिक है और अभी ये मेन मैन मेड साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होता जा रहा है क्यों ये मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया है मैं देख सकता हूँ मैं लोगों की जब हिस्ट्री लेता हूँ तो इस बात को उनसे पूछता हूँ तो मुझे जहाँ तक मैं देखता हूँ वो लोग बोलते हैं पहले एक ज़माना था जब टॉयलेट में हम जाते थे तो पेपर लेके जाते थे इफ़ यू ऑल नो पेपर पढ़ते थे और आराम से आधा घंटा टॉयलेट में बैठते थे और ऐसे लोग कॉन्स्टिपेटेड भी रहते थे अभी का जो समय है उसमें मोबाइल बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों क्यों क्योंकि जब हमें हमारी जो मीन्स रेक्टल सेंसिटिविटी है वो इतनी ज़्यादा रहती है कि अगर हमारा मन उस समय कहीं और हो जाए तो हम सही से मोशन भी नहीं कर सकते जो इवैक्यूएशन होता है हमारा वो भी ब्लॉक हो जाता है और धीरे 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 मोबाइल की आदत पड़ती जाती है कॉन्स्टिपेशन घर करता जाता है ये मेरा अभी रिसर्च चल रहा है इसके ऊपर बहुत सारा मैं केस कर रहा हूँ सो मैं ज़्यादा इसके ऊपर अभी नहीं बात करूँगा क्या, इसके क्या क्या बीमारियां होती हैं वो आप सबको पता है इसमें पाइल्स फिसर फिस्टुला इस तरह से या कभी कभी अल्सर्स इंटरनल अल्सर्स होने लगते हैं ये एक चीज़ जो देखी जाती है कॉमनली मोस्ट कॉमनली और उसके अलावा जो सबसे सिंपल टेक्निक है इसको इलाज करने का सबसे सिंपल वो आपका भोजन है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है फाइबरस फूड अब फाइब्रस फूड में क्या है आप हरी भाजियाँ हरी पत्तियों से रिलेटेड चीज़ें उसके अलावा जो है स्प्राउट्स, उसके बाद जो है मीन्स अभी कल किसी ने मुझे बोला कि इमली खाना भी और इमली की जो बीज होती है उसका जो है उसको गर्म करके उसको पीस के खाने से भी कॉन्स्टिपेशन में बहुत रिलीफ मिलता है और मैं जो आजकल ज़्यादातर उपयोग करने लगा हूँ मैं लोगों को मड पैक करने को बोलता हूँ इफ़ मड पैक इज़ नॉट अवेलेबल टेक अ थिक टॉवल टर्किश टॉवल टर्किश टॉवल को ठंडे पानी में भिगा के अपने पेट के ऊपर उसको रखना ज़रूरी है थर्टी टू फोर्टी मिनट्स अगर आप दिन भर में दो बार खाली पेट या एक बार अगर बहुत कॉन्स्टिपेटेड नहीं है तो एक बार और अगर ये क्रॉनिक है तो दो बार अगर इसकी प्रैक्टिस आप करते हैं तो इससे आपको बहुत सारा लाभ मिलता है रेगुलर एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी है और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी है इसके लिए जब आप मैंने बताया ये वात की बीमारी है वात को अगर आपको बैलेंस करना है अपने शरीर में तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत करना जरूरी हो जाता है और मन को शांत रख के मोशन के लिए जाना जरूरी है एक सिंपल सी टेक्निक है दोस्तों पानी पीजिए और इस तरह से टोच के ऊपर चलिए टोर्च के ऊपर चलिए और इस तरह से आपका हाथ का इस तरह से लॉक करके इस तरह से वॉक करिए पाँच से सात मिनट इससे भी आपके जो इंटेस्टिनल मूवमेंट है जो पेरेस्टेल्टिक मूवमेंट्स है वो इम्प्रूव होने लगता है और एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स बहुत ही कारगर हैं इसके लिए ये हमारा जो चिन्ह है वो इंटेस्टिन का एरिया आता है फेशियल एक्यूपंक्चर में भी इंटेस्टिन का एरिया आता है उसके अलावा यहाँ पर सी ई ट्वेंटी फोर करके पॉइंट है रेन ट्वेंटी फोर बोलते हैं इस तरह से आप या तो उसका मूवमेंट करें या इस तरह से उसको मसाज करें उसके अलावा सिंपल को, कोई कई एक्सरसाइजे जैसे है आप अगर के प्रेसरिस्ट नहीं है तो आप भूल जाएंगे इसके लिए आपको एक किस तरह से मैं बताऊं ये जो आपका मणिबंध है इसके ऊपर इस तरह से चार फिंगर रखिए और यहाँ पे सिंपल इसका मसाज करिए वेरी इफेक्टिव यहाँ पे हमारे दो तीन पॉइंट फ्रंट से और बैक से कवरअप होते हैं उसके अलावा पेट के ऊपर इस तरह से टैपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए लेट के आफ्टर डूइंग द मड पैक या मे बी पहले या बाद में दोनों तरफ से आप इस तरह से इसकी टैपिंग करिए इससे आपको बहुत सारा लाभ होगा और रेगुलर एक्सरसाइज में पवन मुक्त आसन इस प्रैक्टिस करिए उससे भी आपको लाभ होगा और चित्त को प्रसन्न रखने के लिए मन को प्रसन्न रखने के लिए शुद्ध अन्न और आहार का चयन करिए बस आज के लिए इतना ही नेक्स्ट में जब भी, भी कुछ होगा तो आपके साथ जरूर एक बार जुड़ना चाहूंगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं चाहती हूं कि तालियों की गड़गड़ाहट चलती रहे पांडे जी के लिए